देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे। कॉमेडी के नाम पर द्व्यर्थी संवाद करने वाले यूट्यूबर भुवन बॉम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहाड़ी महिलाओं पर भुवन द्वारा की गई टिप्पणी पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया है और इस मामले में कार्रवाई को लेकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भी लिखी है। इसके साथ ही केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस संबंध में गुरुवार 31 मार्च 2022 को एक ट्वीट कर कहा कि NCW इंडिया ने इसका संज्ञान लिया है। अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को प्राथमिकी दर्ज करने और मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए लिखा है। NCW ने महिलाओं की गरिमा के उल्लंघन के लिए YouTube चैनल के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के सचिव को भी पत्र लिखा है। आपको बता दें कि भुवन बॉम का वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाया और इसे महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। 25 मार्च 2022 को बीवी की वाइंस नाम के अपने YouTube चैनल पर भुवन बॉम ने एक वीडियो अपलोड किया था। ऑटोमेटिक गाड़ी वाले टाइटल के साथ अपलोड किए गए इस वीडियो में भुवन बॉम को पिता के कैरेक्टर में गाड़ी के नाम पर द्व्यर्थी बातें करते हुए सुना जा सकता है। वीडियो में जिस तरीके की बातें की गई हैं उसे यहाँ पर बताना मुश्किल है। बातों बातों में पहाड़न शब्द आता है और फिर वीडियो में कितनी देर अश्लील भाषा का प्रयोग होता है आप उसे सुन भी सकते हैं। बुधवार तक इस वीडियो को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देख लिया, वहीं इसे 1.9 मिलियन लाइक्स भी मिल चुके हैं। भुवन बॉम का चैनल भारत के जाने माने YouTube चैनलों में से एक है। उनके खुद 25.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। हालिया वीडियो उनकी 7 मिनट 15 सेकंड की है। इसमें पहाड़न महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी को 5 मिनट 29 सेकंड के बाद सुना जा सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों शेयर किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अब इस पूरे मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भुवन बॉम द्वारा महिलाओं के खिलाफ की गई अश्लील टिप्पणी के विरुद्ध दिल्ली पुलिस को केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही महिला आयोग ने सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय को महिलाओं की गरिमा के उल्लंघन के लिए यूट्यूब चैनल्स बीवी की वाइंस के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को बढ़ता हुआ देख भुवन बॉम ने अपने वीडियो से चुपके से पहाड़न शब्द को बीप कर दिया है, लेकिन इसके लिए उन्होंने ना ही माफ़ी मांगी है ना ही वो पूरा अश्लील संवाद हटाया है। अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि भुवन बॉम के चैनल पर क्या कार्रवाई होती है। देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे।